है तो बांध उड़िया ही काम कौन देखो बांध है। एक दिन लुहार आवे बनर चीप्यार कुर्चा ले रहा है, दूसरे दिन कोई पूछड़ो लगार बांधरो बने रहा है, कोई बची है इनकी। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फार्म भरने के लिए जा रहा था, अभी टिकट नहीं मिला है लेकिन फार्म भरने के लिए जा रहा था, बोले मिल जाएगा तो बीजेपी का नहीं तो निर्दलीय तैयार रहा। मतलब इससे ज्यादा विकास, मेरी माँ बहन बेटी है रसोई में हमको खाना और चाय बना के देती है। मोदी और वसुंधरा से पहले 300 में मिलता था सिलेंडर, अब कितने में मिलता है? विकास में कोई बाकी रह गई है? 300 वाली डीएपी 1450 1500 ही होगी, 50 एक कम है, मैं अब घर काट देगा। विकास में कमी है। अरे इससे झूठा साथी सलीम ने ठीक कहा, इससे झूठा मुख्यमंत्री, इससे झूठी प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। अभी 7 जुलाई को देश का प्रधानमंत्री राजस्थान की राजधानी में आया था और कहा था किसानों तुम्हारा बाजरा 1950 रुपए में सरकार खरीदेगी। खरीदा है क्या अभी? कोई बता रहा भाई किसी ने 1950 रुपए में है? ये लड़ाई, ये है किसान की लड़ाई, ये है मजदूर नौजवान महिला की लड़ाई। जो मेहनत से पसीने से पैदा करता है उसको लूटने का काम 71 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐ तो बांध उड़े ही काम कौन देखोगे बांध है। एक दिन लुहार आवे बनर चीप्यार कुर्चा ले रहा है, दूसरे दिन कोई पूछड़ो लगार बांधरो बने रहा है, कोई बची है इनकी? कुछ नहीं। आप और हम कह सकते इन सरकारों से 2005 में उस विधानसभा और सचिवालय के बीच में अमरूदों के बाग में 8 दिन और 8 रात इसी वसुंधरा को झुकाकर राजस्थान के इतिहास में किसान की बढ़ी हुई बिजली की रेट पूरी की पूरी वापस कराने का काम किसने किया है? आपने किया है। और 2008 में एक अमराराम नहीं 3 अमराराम भेजे, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की हिम्मत नहीं हुई और जब अच्छे दिनों के चक्कर में 15 लाख की नौकरी 15 लाख खाता में आपकी हमारी पैरवी करने वाला एक भी नहीं भेजा और उन झूठों को 163 दिया तो 16 में फिर हमला किया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं पूरे राजस्थान के उन 15 लाख किसानों को, चाहे वो लाल झंडे को नहीं पकड़ रखा है लेकिन जब हम और आपने सीकर की मंडी में जितने सीकर जिले में कनेक्शन है उससे ज्यादा लोग सीकर की मंडी में पहुंचे और यहां से चलते हुए बीकानेर पहुंचे जब तक वसुंधरा लंबी हो, 13 दिन और 13 रात भारतीय जनता पार्टी की तो समझ में आती है, वो तो मारना चाहती है, जमीन छीनना चाहती है, पशुधन की बिक्री पे रोक लगाना चाहती है, भाव नहीं देना चाहती, लेकिन विपक्ष में बैठी हुई कांग्रेस 13 दिन और 13 रात हमारे लक्ष्मणगढ़ के विधायक बड़े जोर से बोलते हैं विधानसभा में लेकिन 13 दिन में उनकी जबान बंद थी। 1 सितंबर से लेके 13 सितंबर तक न हाथी और न नाथी। हम पूछना चाहते हैं, लक्ष्मणगढ़ की जनता पूछना चाहती है, विधायक जी अगर 13 दिन की 11 सूत्री मांग सीकर लक्ष्मणगढ़ और राजस्थान के किसान की गलत थी तो आपको कहना था कि ये गलत है और अगर सही मानते थे तो समर्थन में आना तो दूर रहा, कम से कम अखबार में बयान तो दे देते। पढ़ा आपने 13 दिन में है? पढ़े होगा कोई आपने डोटासरा जी को, मेरे साथ रहे 5 साल, बड़े बुलंद
बुलंद आवाज में हाथ हिला के हाथ फैला के, लेकिन जब किसान लड़ रहा था उनकी जबान बंद थी। जब समझौता हो गया, विधानसभा चली, जरा बोलो विधानसभा में धरना देशिया, तो मंडी में के थागे बैठा जगह जेठ लगा, बोले वो तो लाल झंडा था। अरे बोलो भाई मैं तो एक में बैठे, आज सात और है, सात सेट और है, उनमें बैठे थे, और उनमें भी अगर सीन गड़ रहे थे तो रामलीला मैदान खाली था, वहां दे देते, लेकिन हमारे बीच में नहीं आए। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, ये भाजपा और कांग्रेस मैच मिक्स है, बह लुटना ऐ को नहीं बोले, ऐ लुट देना बह को नहीं बोले, और ऐसे बिकते हुए देखा मैंने तो 20 साल राजस्थान की विधानसभा में 93 से लेकर 2013 तक। ये जो जनता का वोट लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के एमएलए जीत के जाते हैं, इस देश के बड़े बड़े अमीर सेठ जिनको लूटने की छूट 71 साल में दी है, वो वैसे ही इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को खरीदते हैं, जैसे हमारे घर में किसान के घर में बकरा फाड़ते हैं और ईद के पहले दिन सीकर की बकरा मंडी में बकरों की बोली लगती है, वैसे इन कांग्रेस भाजपा के नेताओं की एमएलए की बोली लगती है। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, सब साथी साथी मील बनकर एक एक मतदाता के पास जाना है। और मैंने तो देखा है पिछले 1.5 महीने में दातारामगढ़ और धोद में एक एक गांव में गया हूं, ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने आज तक 52 से लेके 2014 तक किसी ने कांग्रेस को दिया था, किसी ने बीजेपी को दिया था, लेकिन छाती ठोक करके वो किसान आ जा रहा है, वो कह रहा है इस लाल झंडे को वोट देने का मतलब लाल झंडे और कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, इस सीकर जिले के किसान की आवाज के लिए वोट दे रहे हैं, लाल झंडे को नहीं, किसान की आवाज, मजदूर की, नौजवान की आवाज। ये मेरा तो आपसे निवेदन है, जिस तरह का अपराध इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे बेटे पुलिस में सिपाही की भर्ती की परीक्षा देने गए, आरएस की परीक्षा देने गए, उनके कपड़े उतराए गए, उनके जूते उतराए गए, हमारी शादीशुदा बेटी गई उसका मंगलसूत्र उतराया गया, क्या पेपर जूतों में था, क्या कपड़ों में था? अरे पेपर तो इस वसुंधरा के अधिकारियों के पास थे, वो लीक करते हैं, उनको कोई नहीं सजा देता, लेकिन हमारे बेटे बेटियों को सजा दी है, और ये कांग्रेस चुप रहकर उसकी मदद की है, उसकी सजा देने का वक्त आने वाली 7 तारीख को है। आप सब बीएस मील बनकर के 7 दिसंबर तक आप दौड़ेंगे, और 7 दिसंबर के बाद 5 साल तक आपके हक और अधिकारों के लिए दौड़ने की जिम्मेदारी अमरा राम और मील साहब की होगी। यही बात कहते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.